हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे इंडियन आर्मी के तरफ से ग्रुप सी मतलब सिविलियन पोस्ट के लिए भर्ती निकल के आ चुकी है। और ये टोटल पोस्ट की बात करें तो 1200 प्लस भर्ती है आपका, मतलब अच्छा खासा भर्ती निकाला गया इंडियन आर्मी के तरफ से ग्रुप सी पोस्टों के लिए। इसमें कौन कौन से पोस्ट है जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा होगा, बार्बर के लिए है, कुक के लिए है, टेलर के लिए है, वाशरमैन के लिए है, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर है, पोर्टर है, मेट है, ये सारे चीज़ें भर्ती निकल के आ रही है। तो ये और इसमें क्या एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, आप डायरेक्ट इसमें फॉर्म भर सकते हो। और सबसे बड़ा अच्छा बात है कि ऑनलाइन अप्लाई है। कैसे भरना है, कहाँ भरना है, कितने तारीख से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी आपको कितना दिया जाएगा, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है, आपके ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या मेडिकल से फैसिलिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना सैलरी मिलेगा और क्या क्या सुविधाएँ आपको मिलेगी आफ्टर ज्वाइनिंग, वो सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। इसका क्या एग्ज़ाम है, नहीं है, और सबसे अच्छा बात है कि ऑनलाइन अप्लाई है। तो ऑनलाइन अप्लाई है तो सभी लोग फॉर्म जरूर भरेंगे जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, और इंटरेस्टेड का सभी लोग इंटरेस्टेड ही होंगे क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मौका है क्योंकि 1200 प्लस भर्ती, ये अच्छा खासा भर्ती है भाई साहब, क्योंकि जब भी सिविलियन भर्ती आता है 50 60 100 200 इससे ज़्यादा नहीं आता, लेकिन अब की बार 1200 भर्ती आया है तो ये अच्छा खासा, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो फॉर्म सभी लोग फिल जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल और लेटेस्ट जॉब के लिए आपको करना क्या है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आए सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। एंड टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो वहाँ पर ऐड हो जाए ताकि, तो चलिए लेके चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में। लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देख सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से ये भर्ती जो निकाला गया है, ये आप देख सकते हैं सिविलियन लेबर 1200 पोस्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। और यहाँ पे लेबर देख के घबराइएगा मत भाई साहब, क्योंकि ये भर्ती है और ये गवर्नमेंट जॉब है भाई साहब। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये BD, GP, पोर्टर्स, COI, पोर्टर्स, मेट्स एंड अदर सिविलियन, सफाई वाला, इलेक्ट्रीशियन, अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 इंडियन आर्मी की तरफ से निकाला गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए, एप्लीकेशन जो आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 2-3 दिन बचा है, 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है राइट। और यहाँ पर लास्ट डेट जो रहने वाला है 28 अप्रैल रहने वाला है, कितना 28 अप्रैल आपका, अप्रैल से आपका इंटरव्यू भी, मतलब कि लास्ट डेट भी आपका 28 अप्रैल है, मतलब जो पहले फॉर्म फिलअप करेगा उसको पहले 28 तारीख को 29 तारीख को बुला लिया जाएगा डेट ऑफ इंटरव्यू के लिए, और लास्ट डेट जो है 7 मई है राइट। तो 28 अप्रैल से 7 मई आपका डेट ऑफ इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू चलने वाला है। क्या एग्ज़ाम होगा, कोई एग्ज़ाम इसमें नहीं होगा भाई साहब, एग्ज़ाम इसमें नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, उसके बाद आपको रख लिया जाएगा। उसका रिजल्ट कब आएगा, मान लीजिए उसका रिजल्ट आपका 5 मई से लेकर 10 मई के बीच में डिक्लेयर होगा, जिसका जैसे जैसे होगा उसका वैसे वैसे आपका रिजल्ट डिक्लेयर होते जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा राइट। तो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा भर्ती को, लास्ट डेट है 28 अप्रैल, शुरू में ही भर दीजिएगा, शुरू में ही आपका काम खत्म हो जाएगा ओके। भर्ती कैसे करना है, मतलब कि ये है ऑनलाइन अप्लाई, ऑनलाइन कैसे करना है मैं अभी बताने वाला हूँ। ऑनलाइन अप्लाई है, ये ओनली ऑनलाइन अप्लाई है, फॉर्म ऑफलाइन नहीं भरना है, ऑनलाइन है। पैसा आपको लगेगा, बिल्कुल भी पैसा नहीं लगना, चाहे वो आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC कैटेगरी से हो, या फिर OBC हो, EWS हो, कोई भी कैटेगरी हो, आप SC ST हो, फीमेल के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जनरल OBC EWS SC ST फीमेल कैटेगरी के लिए 1 रुपया भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑनलाइन अप्लाई है, पैसा भी नहीं लगेगा, एज लिमिट आपका 28 अप्रैल तक आपको 18 साल हो जाना चाहिए, तो मेरे ख्याल से अच्छे खासे लोग इसमें आ जाएंगे, और मैक्सिमम एज जो है 40 साल है, तो इसमें भी आराम से आप फॉर्म को फिल कर पाइएगा। एज रिलैक्सेशन का मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होगा, बाकी इसमें भी कोई एज रिलैक्सेशन चाहता है तो उसको भी दे दिया जाएगा हमारे तरफ से राइट। OBC कैटेगरी को 3 इयर्स का, और SC ST कैटेगरी जो होंगे वो 5 इयर्स का, मतलब कि OBC 43 साल तक और SC ST 45 साल तक फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे राइट। और पे स्केल जो आपका रहने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेट्स के लिए, बार्बर के लिए, वाशरमैन के लिए, कुक के लिए, टेलर, और यहाँ पे एक रिपेयरर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे 30,060 रुपये आपको मिलेगा, कितना 30,060 रुपया।
और पोर्टर पे के लिए 30,060 रुपया, सफाई वाला के लिए 30,060 रुपया, सबको 30,060 रुपया ही मिलेगा, राइट। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। टोटल पोस्ट की बात कर ले तो 1200 पद है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 1200 पदों पे भर्ती निकाली गई है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। कोई भी बच्चा इस भर्ती को मिस नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चलेंगे नीचे, एलिजिबिलिटी डिटेल्स यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको एलिजिबिलिटी डिटेल्स मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, पोर्टर्स के लिए 1040 पद है, मेट्स एंड अदर सिविलियन के लिए 110 पद है और सफाई वाला के लिए 50 पदों पे भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 1200 पदों पे भर्ती है, ओके, कितने 1200 पदों पे भर्ती निकाली गई है। जो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह रखने वाला है वो देख लीजिए, आधार कार्ड इन ओरिजिनल अलॉन्ग विथ 3 फोटोकॉपी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड आपको लगा के लेके जाना होगा। ओरिजिनल बैंक पासबुक, SBI PNB ओनली चलेगा, ये नहीं कि आपका जनधन वाला होगा तो वो आपका नहीं चलेगा, पहले ही बताया। साथ में इसका 2 फोटोकॉपी चाहिए, ये आपको लेके जाना है। जनधन अकाउंट आपका होगा तो वो नो जनधन अकाउंट इज़ एडमिसिबल, मतलब वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। डोमिसाइल आपका लेके जाइएगा, आप किसी भी स्टेट से हैं कोई दिक्कत नहीं है, सारे स्टेट के फॉर्म लोग भर सकते हैं, राइट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ज़रूर लेके जाएगा। रेवेन्यू स्टाम्प 10 रुपये का आपको लेके चले जाना है, राइट, वो लेके। मोबाइल नंबर ऑन NNO की, मतलब कि मोबाइल नंबर आपका अपना लेके जाइएगा, राइट। उसके बाद या फिर जो भी आपका रिलेशन का है वो आपका घर का मोबाइल नंबर भी आपको नोट करना। सिंगल फ़ोटो, कलर आपको चाहिए 6, कितना सिंगल फ़ोटो मतलब कि खुद का फ़ोटो, 6 कलर फ़ोटो चाहिए। JT फ़ोटो विथ फैमिली वाला, ये 4 फ़ोटो चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू बाय ए गैजेटेड ऑफिसर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बना होना चाहिए, कब, ऑन 1 जनवरी को होना चाहिए, फिर 1 जनवरी 2023 के बाद अगर आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया है तो वही आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो आपने बनवा लिया होगा, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने बनवाया होगा, जिसने नहीं बनवाया है वो जल्दी बनवा लीजिए, राइट, तो वो बनवा लीजिए। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन भी आपको होना चाहिए, सर्टिफिकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन इन ओरिजिनल इशू नॉट एर्लियर देन 1 जनवरी 2023, मतलब 1 जनवरी 2023 के बाद का ही पुलिस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। उसके बाद बात कर लें यहाँ पे तो बर्थ एंड एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, मतलब कि एजुकेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, साथ में 3 फोटोकॉपी ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब खुद से नाम वगैरह लिख के साइन वगैरह करके डेट वगैरह मेंशन करना होता है। आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, प्लेस ऑफ टेस्ट या फिर इंटरव्यू, तो अवरपति जो है अवरपति रामपुर भूसर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू HP, मतलब कि ये आपका होने वाला है इंटरव्यू हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका इंटरव्यू कराया जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे हिमाचल में है कैसे जाएंगे, भाई साहब हिमाचल में है लेकिन ऑल इंडिया पे है, मतलब सारे स्टेट के लोग यहाँ पे जा सकते हैं। इंटरव्यू का टाइमिंग क्या रहेगा ये देख लीजिए आप, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए 28 अप्रैल से लेकर 7 मई तक, मतलब 8 बजे से लेकर 2 बजे तक दिन तक चलेगा, 28 अप्रैल से 7 मई तक ये इंटरव्यू चलेगा। इसका कब इंटरव्यू है वो आप फॉर्म भरिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब चलिए हम बात कर लेंगे फॉर्म को भरेंगे कैसे। तो बहुत सारे बच्चे इसमें सैलरी को लेके, तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है यहाँ पे सैलरी अब 30,000 सबका 30,060 रुपया ही मिलने वाला है। यहाँ पे बात कर ले यहाँ पे जो राशन वगैरह मिलेगा कि नहीं, तो राशन यहाँ पे देख सकते हैं, इंडिविजुअल विल बी प्रोवाइड विथ फ्री राशन, मतलब कि आपको सिर्फ मिलेगा, राइट, ये नहीं कि फैमिली वगैरह को भी यहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह फैमिली को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे फ्री राशन आपको दिया जाएगा कमांडेंट सोल्जर व्हेन सर्विंग ऑपरेशनल फील्ड मॉडिफाइड फील्ड एरिया में, राइट। उसके बाद यह मेडिकल फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा इंडिविजुअल, वही आपको सिर्फ आपके लिए ही प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट वन द एक्सेंट फिजिबल और फॉर सेल्फ ओनली इन मिलिट्री सिविल हॉस्पिटल फॉर इंजरी एलमेंट डिजीज या फिर कोई भी सस्टेनेड बाय द इंडिविजुअल वाइल एट वर्क, राइट, ये चीज़ है। उसके बाद डिप्स ये सब दे रखा है, तो ये आपको लेके जाना है, जो कि मैंने बताया, ये COVID-19 सर्टिफिकेट जरूर ले लीजिएगा, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, राइट, और बाकी सारा कुछ मैं बता ही दिया है मैंने आप। तो ये आपको फॉर्म भर लेना है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी इंड ऑन 26 अप्रैल, सॉरी यहाँ पे देखिए ओरिजिनल जो दे रखा है 26 अप्रैल को आपका ये बंद हो जाएगा, 28 अप्रैल नहीं है, 26 अप्रैल को, राइट, ओरिजिनल ये जो प्रोसेस है। और यहाँ पे इमेज पिक्चर फॉर अपलोडिंग 100 KB के अंदर का होना चाहिए, और यहाँ पे आपका देखिए ये सब चीज़ भरना है, आपको खुद से भरना है, और यहाँ पे आपको खुद से मेंशन करना होगा, राइट, ओके,
तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है आप जिस भी स्टेट से हैं, ये स्टेट आप डाल दीजिएगा यहाँ पे, और पिन कोड, मोबाइल नंबर, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन करके, यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे फ़ोटो, आधार, पुलिस वेरिफिकेशन, ये सब डाल के यहाँ पे सबमिट करना होगा। बाकी इसमें कोई आपको दिक्कत आए तो ज़रूर हमें बता दीजिएगा, आपको हम ऑनलाइन फॉर्म भर के भी बता देंगे। ओके, और किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, बार्बर के लिए, कुक के लिए, यहाँ पे जो भी है आप, मैसन, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पे जेसीबी ऑपरेटर के लिए भी भर्ती है, रिपेयर के लिए, वाशरमैन, कुक, कारपेंटर, मेट, पोर्टर, सभी के लिए भर्ती है। कोई भी आप अप्लाई कीजिएगा तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म को भर लेना है। ओके, बाकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस फॉर्म का लिंक कहाँ मिलेगा तो चलिए मैं बता देता हूँ, इस फॉर्म का लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा। इस फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक वहाँ पे ऐड हो जाए, टेलीग्राम पे ही इस फॉर्म का लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इस लिंक फॉर्म पर आ जाइएगा और फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है। फाइनली आपने ये वीडियो देखा और अच्छा लगा होगा, मतलब कि कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि अच्छा नहीं लगेगा, तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। बाकी इस भर्ती के रिगार्डिंग मेरे ख्याल से सारे आपके डाउट जो हैं क्लियर हो गए होंगे, और आपको करना क्या है, आपको इसका, हाँ, इसको फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ पर आप चले जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर ही मैं डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड कराऊँगा किस चीज़ का, ये फॉर्म अप्लाई करने का, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, डायरेक्ट आप उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और उस पोर्टल पे पहुंच जाएगा और अपना फॉर्म फिलअप कर पाएगा। तो टेलीग्राम पे जरूर ऐड हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो इस भर्ती के रिगार्डिंग या अदर कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं और 100% आपका रिप्लाई एंड 100% जो आपका डाउट है जो ना 100% क्लियर हो जाएगा। तो लाइक शेयर कर दीजिए एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।